पारा 10 सूरा 9 तोबा आयत 5 पे लिखा है, फिर जब हराम महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो और उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। मुशरिक का मतलब होता है जो मूर्ति की पूजा करते हैं। मुसलमान तो मूर्ति की पूजा नहीं करता, हिंदू करता। ये वीडियो ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी सारे सोर्स से आई है, आपने भी भेज दी। इसके अंदर जो कहा गया है कि सूरह तौबा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा है कि जहाँ भी मुशरिक मिले और उनको कत्ल कर दो, और जैसा कि इस भाई ने कहा कि इससे मुराद हम लोग हैं कि जहाँ भी हम मिले उसे कत्ल कर दो। इसके कई सारे लॉजिकली जवाब होंगे, तो वन बाय वन आप इसके आंसर को अगर सुनेंगे तो आपकी समझ में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। पहला तो ये कि कुरान मजीद, कुरान पाक को समझने के लिए, उसके एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए, या फिर ये कि उसका एक्सपर्ट बनने के लिए इस्लाम के अंदर कम से कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल का कोर्स होता है, यानी 10 साल तक पढ़ाई करनी पड़ती है, तब कोई शख्स आलिम या मौलाना या मुफस्सिर बनता है जो कुरान का एक्सपर्ट बनता है। अब आप सोचें कि किसी चीज़ को समझने के लिए अगर कोई पर्टिकुलर कोर्स हो कि जिसके लिए 8 से 10 साल पढ़ाई करनी पड़े, एक तरफ वो और एक तरफ वो, के बिना समझे कोई भी उसका ट्रांसलेशन पढ़े और उसका मतलब ख़ुद अपनी तरफ से बयान करके निकाल दे, तो इन दोनों शख्सियत के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। कुरान पाक समझने के लिए कुरान पाक के एक्सपर्ट से मिलना चाहिए कि इस आयत का सही मतलब क्या है। अगर इस तरह कोई भी डॉक्टरी की किताब उठाए और उसको इंग्लिश आती है, या हिंदी की किताब ले और किसी भी दवाई का नाम दे पढ़ने के बाद, और ये बताएगी ये इस मर्ज़ में नुकसान देगी फ़ायदा देगी, तो इस तरह से वो नीम हकीम ख़तरा जान बन जाएगा कि इस तरह से मामला हल नहीं होगा, क्योंकि उस किताब को पढ़ने के लिए एक पूरा प्रोसेस होता है डॉक्टर बनने का, उसके बाद ही उस दवा या उसके कंपोनेंट को समझा जा सकता है। तो ठीक वैसे ही किस कॉन्टेक्स्ट में क्या आयत क्यों कोट की गई है और उसका मतलब क्या है, उसको समझने के लिए सही स्कॉलर के पास जाना चाहिए। जिस रिलीजन की बात हो उसका एक्सपर्ट ही आपको समझाएगा। अगर आप इस तरह से आयत उठाएंगे, उसका आगे पीछे संदर्भ क्या है बिना समझे बात करेंगे, तो ये जो है यानी इसमें लोगों की समझ में भी ये आएगा कि शायद इसका आयत का यही मतलब है या कुरान का यही मतलब है, जबकि इसका मतलब वो नहीं होता। तो ये पहला मशवरा है कि उसको समझने के लिए, जिसकी पढ़ाई के लिए 10 साल लग जाते हैं, लोग 10 दिन भी उसके बारे में रिसर्च करें बग़ैर उसको पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि शायद ये हमने सही एक्सप्लेन कर दिया, सिर्फ तर्जुमा पढ़ने से कोई बंदा आलिम नहीं बन जाता। दूसरी बात कि जैसे इस भाई ने कहा कि इस आयत के अंदर मुशरिकीन को कहा गया यानी हमें कहा गया, तो आपको बता दूं इस आयत के अंदर आपको नहीं बल्कि मुशरिकीन मक्का को कहा गया, यानी जिस सदी की ये बात है, जिस दौर की ये बात है, अगर कोई किसी से खिताब करेगा तो वो मुखातिब उसी वक्त की कौम से होगा कि वहाँ के मुशरिकीन यानी मुशरिकीन मक्का को कहा गया है, जिसको ये भाई समझ रहा है कि शायद ये हमें कहा गया है। इसमें एक बात काबिले गौर ये भी है कि इस भाई ने जो आयत पढ़ी सूरह तौबा की आयत नंबर 5 कि जिसके अंदर ये बात कही गई कि जहाँ मुशरिकीन मिले उनको कत्ल कर दो, उसी की अगली आयत आयत नंबर 6 के अंदर अल्लाह ताला फरमा रहा है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कि जो मुशरिकीन आपसे पनाह मांगे आप उनको पनाह दो। तो जहाँ एक तरफ ये बात हो रही है कि जंग के मैदान में जो आपसे लड़े उनको मारो और जो आपसे पनाह तलब करें उनको पनाह, तो इसका मतलब ये है कि ये किसी ख़ास संदर्भ की बात है, किसी एक जंग की बात है या किसी एक माहौल की बात है। और ये बिल्कुल कॉमन सी बात है, जब बंदा किसी जंग में होगा तो जाहिर है कि वहाँ पे इमरती सीधी कैसे बनेगी इस फॉर्मूले पे तो रिसर्च नहीं करेगा कि जिस तरह जंग होगी तो वो उसी तरीके से वहाँ का बिहेवियर होगा। और जिस टाइम की बात होगी और इस तरीके की जंग दूसरी मज़हब की किताबों के अंदर भी मौजूद है, तो वहाँ का भी अगर कोई आधी चीज़ उठाने के बाद बयान करे कि देखो लड़ाई झगड़ा इस मज़हब के अंदर है, तो ये उसकी नासमझी होगी कि किसी भी बात को समझे बग़ैर, उसके एक्सपर्ट से जाने बग़ैर जो है वो बयान कर दिया जाए। इसी तरह कुरान पाक में जहाँ भी ये आयतें हैं कि जहाँ आपको मुशरिक मिले उन्हें कत्ल कर दो, इससे मुराद वो जंग के मैदान में नाजिल हुई आयतें हैं, उस फाइट के दौरान की बात है। और इसी के अंदर ये भी आपको मिलेगा कि जो आपसे पनाह मांगते हैं, जंग करना नहीं चाहते, आप उनको पनाह दो। तो अगर ये सारे मुशरिकीन को मारने की बात होती फिर यहाँ पनाह देने की बात क्यों होती कि जो जंग के मैदान में आपसे जंग नहीं लड़ना चाहते तो आप उनको पनाह दो। और यह लॉजिक आप सिंपली किसी भी देश के बॉर्डर के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि जो भी सैनिक तैनात होते हैं अगर कोई दूसरा बॉर्डर वाला उनसे लड़ने की कोशिश करता है तो जाहिर है कि वो लड़ने की कोशिश करेगा, अब चाहे वो अपने डिफेंस में लड़े या अपने मुल्क के
डिफेंस में लड़े वो लड़ेगा, लेकिन अगर कोई पकड़े जाने के बाद लड़ना नहीं चाहता, जंग रोकना चाहता है, तो सीधी बात है कि जंग को रोकी जाएगी। तो सेम यही है कि जंग के मैदान की आयतों को उठा के लोगों के अंदर बयान करना कि देखो मुशरिकी ने मक्का के बारे में जो आयतें कही गई कि इसमें कत्ल का हुक्म दिया गया, तो वो उस वक्त दिया गया था जब जंग चल रही थी उस दौरान, और पनाह का हुक्म भी दिया गया था। तो दोनों बातों को जो है वो देखना चाहिए। अब आपको मैं एक लॉजिक वाला पॉइंट बताऊं, जो आयत आपने बयान करी कि मुशरिक जहां दिखे उनको कत्ल कर दो, ये आयत आज आपको दिखी तो आपने समझा कि मैं कोई ऐसी चीज़ इस्लाम की एक्सपोज कर दूं, लोगों के सामने कोई ऐसी हकीकत ला दूं कि जिससे बहुत बड़ा तहलका हो जाए। सेम आयत जो है आज से काफ़ी साल पहले औरंगज़ेब को भी मालूम थी कि जहाँ मुशरिक में लोगों ने कत्ल कर दो, 500 साल से ज़्यादा मुग़लों ने जो राज किया, यही कुरान और यही आयत उनको भी पता थी। अगर इसका यही मतलब होता जो आपने बयान कर दिया कि जहाँ दिखे कत्ल कर दो, तो फिर आज भारत की आबादी और इसका इतिहास जो है वो कुछ और ही कहानी कह रहा होता। तो लिहाजा इस बात पे गौर करनी चाहिए कि मुग़ल सल्तनत के अंदर भी ये आयत थी, उनको भी पता था, लेकिन उनको मालूम है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कही गई है और किस में नहीं कही गई। तो आपको ख़ुद गौर करना चाहिए कि उस वक्त के लोगों को, बादशाहों को ये आयत पता थी और उसके बाद भी इस पर अमल नहीं किया गया, तो इसका मतलब ये वो जंग के मैदान यानी ख़ास उस वक्त की आयत है कि जब जंग हो या जब इस तरीके का मामला हो, ना कि आम हालात के अंदर। लिहाजा किसी एक कम्युनिटी के लिए, किसी एक वर्ग के लिए इस तरीके की बातों को आधा बयान करना और आधा तीतर आधा बटेर बयान करके माहौल ख़राब नहीं करना चाहिए। अगर कोई ये समझ रहा है कि इस तरीके की आयत बयान करके एक विशेष वर्ग के ख़िलाफ़ लोगों को उकसा के माहौल बना देगा, या किसी के ख्याल में ये है कि मतलब इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, तो वर्ल्ड जो है सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है, कोई ऐसा हलवा नहीं है कि जिसको चार आदमी खाकर ख़त्म कर दें इस्लाम को। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, लेकिन अभी है बाकी नामो निशा हमारा।